सर पिलाते पिलाते बड़ा बना दीजिए। गुटका ना छोड़ूंगा, छोड़ देता हूं तो करंट लगता है। बहुत सारे बड़े लीडर को मैं अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बड़े लीडर है। जीवन यही है, ले ले मजा। हाय हाय, वो साला आके प्रवचन देगा और सोचेगा कि बदलाव आ जाए। तेरा चरित्र हो ना हो, चरित्रहीन रह तू। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम बड़ा बनना चाहते हैं, बेहतर नहीं बनना चाहते। जाके बहुत बढ़िया बढ़िया बात तो कर लेंगे और रात में सब याद आएगा कि हम क्या क्या करते हैं। आम मिलाना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद है आपको आईना दिखाना और आपके अंदर एक बदलाव लेके आना। आपको अच्छा लगे तो भी बढ़िया, ना लगे तो मेरा क्या ले जाएंगे आप? मैं तो जो हूं, तो बहुत सारे बड़े लीडर को मैं अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बड़े लीडर है, क्योंकि वो खुद भी पीते हैं, चार और लोग को पिलाते हैं, क्योंकि वो खुद भी गलत जगह पे जाते हैं, चार और लोगों को लेके जाते हैं। चल जीवन यही है, ले ले मजा। हाय हाय, और ये चले हैं क्रांति लाने। हाय रे नलायक। हाँ? अरे जिस इंसान को हाँ? अपनी नजर में इज्जत ना मिले, साला वो जमाना क्या बदलेगा। अरे पहले अपनी नजर में उठना सीखो, अपनी नजर में बड़ा बनना सीखो, अपनी नजर में उठ हाँ? और वो लीडर, वो अपलाइन जिसको पता है कि वो रात में किधर गया था, वो साला आके प्रवचन देगा और सोचेगा कि बदलाव आ जाए। बदलाव आएगा? वो सोचेगा कि मैं बोलूं और लोग हिलने चाहिए, मैं बोलूं और लोग सुनने चाहिए, मैं बोलूं और बदलाव आना चाहिए, मैं बोलूं और दिल धड़कना चाहिए, मैं बोलूं और बेचैनी होनी चाहिए। कहां से रात कहां गए थे ये भी तो याद होगा ना तुमको। कहां से होगा तुमसे? ये तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम अपनी नजर में एक गिरे हुए इंसान, और तुम्हारी कोई भी लॉजिक तुम्हारी गिरी हुई हरकतों को सही साबित नहीं कर सकती, कम से कम मेरे सामने। तुम दूसरे के सामने करो, मेरे सामने तो तुम कभी साबित नहीं कर सकते कि वो हरकतें सही हैं। ये सिगरेट बेचने का या दुकान लगाने का धंधा नहीं है कि सर मेरा मन मेरा चरित्र अच्छा हो या खराब हो। ये लोगों का धंधा है, और जिस धंधे में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी आप पे डिपेंड करती है, वहां चरित्र मायने रखता है। अगर आप एक दुकानदार होते, मैं घंटा चरित्र की बात ही नहीं करता कभी आपसे। तेरा चरित्र हो ना हो, चरित्रहीन रह तू, लेकिन ये दुकानदारी नहीं है। या हजार लोग लाखों लोग की जिंदगी आप पे टिकी हुई है, तो चरित्र माने रखता है फिर लीडर का। जो लीडर चरित्रहीन है, नशेड़ी है, तेरे को तिरंगा हरा दे रहा है रे नालायक, तो क्या जिंदगी जीतेगा? तेरे को एक सिगरेट हरा दे रहा है नालायक, तू क्या संघर्ष कर लेगा? तेरे में क्या वाइब्रेशन, क्या आ जाएगी यार? मैं नहीं मानता। कहते हैं कि सफल होने के लिए एक सवाल पूछना पड़ता है खुद से कि मैं क्या क्या खोने के लिए तैयार हूं, मैं क्या खोने के लिए तैयार हूं, क्या पाना है। उसके बाद एक और सवाल किया जाता है खुद से, क्या खोने के लिए तैयार हूं। अब ये जो पाना है, ये जो सोचा है, ये जो समझा है, ये जो साधा है, ये जो जीवन में संकल्प ले लिया कि चीज को प्राप्त करना, इसके लिए छोड़ क्या सकता हूं, क्या छोड़ सकता हूं, क्या त्याग सकता हूं? अगर तुम सोचते हो कि कुछ नहीं त्यागोगे और भोग भोग के और तुम वहां तक पहुंच जाओगे, तो शायद तुम पहुंच भी जाओ, लेकिन तुम उस ऊंचाई पे बहुत समय तक नहीं रख सकते। तुम गिरोगे, निश्चित गिरोगे, तुम्हारा गिरना तय है। ये मैं लिख के दूंगा आज, राइट, कि तुम गिरोगे, तुम निश्चित गिरोगे।
अगर गलती से तुम पहुंच भी गए हो ना, और एक बात जान लो, अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है वो। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, यह धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है, बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है। यह बेहतर तो बनना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बड़ा बनना चाहते हैं, बेहतर नहीं बनना चाहते। सर पिलाते पिलाते बड़ा बना दीजिए, गुटखा ना छोड़ूंगा, ये तो 15 साल से पकड़ा है, छोड़ देता हूं तो करंट लगता है। तो रहो रहो, करोड़ों नेटवर्कर हैं, साला जानता कौन किसको है। रहो, 50,000 रुपए कमाने के लिए नेटवर्किंग थोड़े होती है, 50,000 लोगों का हुजूम तुम्हारे साथ चले इसके लिए नेटवर्किंग होती है। राइट है, 50,000 कमा लेंगे तो बड़ी नेटवर्किंग होती है। अरे आपकी बोली पे 50,000 लोग खड़े हो जाएं, 50,000 का हुजूम चलता इसके लिए नेटवर्किंग हो रही है। 10,000 अब 20,000 फिर बीपीएल 50,000 उसके लिए नेटवर्किंग करने के लिए। होश में आइए, हाउ टू रिमेन अवेयर, अपना सीसीटीवी कैमरा खुद बनिए और पीना ये सब छोड़िए। इसलिए नहीं कि पीने वाला इंसान बड़ा नहीं बन सकता है, इसलिए कि ये एक आदत है और एक आदत आप नहीं बदल सकते हैं। आप क्या क्या करेंगे फिर जीवन में। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी आएगा आपको, अपने आप पे फक्र होगा, आप जाके बहुत बढ़िया बढ़िया बात तो कर लेंगे और रात में सब याद आएगा कि हम क्या क्या करते हैं। तो वैसा ही इंसान बाद में सुसाइड करता है, पता है आपको। सुनिए, सुसाइड कब होता है, जब आपकी बातों में और आपके कर्म में तालमेल नहीं बैठता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है बाद में जीवन में आगे जाते कि भैया मैं बोलता कुछ हूं, हूं कुछ, करता कुछ हूं, तो बाद में बड़ी पीड़ा होने लगती अंदर में। और ये जिस धंधे में आप आए हैं ना, इस धंधे में आपको अच्छा बनना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, ट्रेनर भी बनना पड़ेगा, इंस्पायर भी करना पड़ेगा, जगाना होगा लोगों को, अच्छा बनाना होगा लोगों को, तब तो बड़े बनेंगे आप। तो मैं इन सारी चीजों का कट्टर विरोधी हूं, कट्टर विरोधी। और जैसा मैं हूं वही बता सकता हूं। अच्छा लगे तो भी बढ़िया, ना लगे तो कोई और आएगा, हॉल तो फुल ही रहेगा जहां भी करेंगे। आप ना आए कोई और सही, बट भैया हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे इस मामले में। तो जितने लोग भी बुरी आदतों के शिकार हैं, पूरी नहीं, एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लीजिए आज। कितनी आदत, एक, कोई एक, सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लीजिए, सिर्फ एक। सब नहीं छूटेगा इसलिए मैं कह भी नहीं रहा, मैं कितना बोल रहा हूं, एक।